अगर आपको फिर भी कोई भी लैपटॉप पसंद नहीं आता है तो मैं तो भाई एक ही बात बोलूंगा आपको, चला जा बहुत ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट लैपटॉप्स अंडर रुपीज 35,000। अब यार ये जो प्राइस पॉइंट है ये एक बेसिक प्राइस पॉइंट है अपनी नॉर्मल मल्टीटास्किंग के लिए लैपटॉप बाई करने का, बट अगर आप एक हार्ड लैपटॉप बाई करना चाहते हो तो आपको अपना प्राइस पॉइंट थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। बट मैं आपको इस प्राइस पॉइंट पर ऐसे लैपटॉप्स बताने वाला हूँ जिनको देख के आपकी आंखें बाहर आ जाएगी और आप एक ही बात बोलोगे, अबे छक्के। तो भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हमारे सारे लैपटॉप्स के लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके बाई भी कर सकते हो। तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने घंटे को भी ज़ोर से दबा लो ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमारी लिस्ट का सबसे पहला जो लैपटॉप आता है वो आता है एसर की तरफ से और ये लैपटॉप रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ है। इस लैपटॉप के बेसिकली आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, फर्स्ट है इंटेल के कोर i3 11th जनरेशन चिपसेट वाला और दूसरा है AMD के राइजन 5 5th जनरेशन चिपसेट वाला। दोनों के प्राइस पॉइंट में 6-7 हज़ार का डिफरेंस है, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो भाई लैपटॉप के फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो AMD का राइजन 5 5th जनरेशन का चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा जिसमें आप प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक अच्छी खासी मल्टीटास्किंग कर पाओगे। डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो 15.6 इंच के फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है जिससे अगर आप लैपटॉप को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हो तो आपकी आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। अब फिर इसमें चाहे आप कंटेंट क्रिएशन करो, कोडिंग करो, प्रोग्रामिंग करो या ग्राफिक डिजाइनिंग करो, कुछ भी करो आपको बहुत ही अच्छे व्यूज और ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। लैपटॉप के अंदर आपको 8GB की रैम और 512GB की SSD मिल जाएगी, तो भाई स्टोरेज की तरफ से आपको किसी भी तरह की दिक्कत को फेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी लैपटॉप के अंदर आपको विंडोज 11, HD वेबकैम, 6-7 घंटे तक का बैटरी बैकअप अकॉर्डिंग टू कंपनी, बट ये चीज़ आपके काम पे डिपेंड करती है कि आप कैसा काम कर रहे हो। अगर आप हार्ड काम कर रहे हो तो आपकी बैटरी थोड़ी कम चलेगी, आप अगर नॉर्मल मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो आपकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा चल सकती है। सो डिपेंड्स ऑन योर वर्क। लैपटॉप की जो बॉडी है वो मेटेलिक है तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील मिलने वाली है और डिवाइस को आप 180 डिग्री तक हिंज भी कर पाओगे। लैपटॉप का जो वेट है वो है ओनली 1590 ग्राम, जो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है यहाँ से वहाँ कैरी करने में। सो भाई फाइनली अगर मैं बात करूँ लैपटॉप के प्राइसिंग के बारे में तो भाई लैपटॉप का नाम है एसर एस्पायर लाइट, फॉर प्राइसिंग आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ जाके बाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा लैपटॉप आता है वो आता है ASUS की तरफ से, ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी। सो अगर मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके फीचर्स की बात करूं तो भाई इसमें आपको AMD का Ryzen 3 7th जनरेशन का चिपसेट मिल जाएगा जिसकी जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो है 4.1 GHz और चिपसेट के साथ आपको 4 कोर्स, 8 थ्रेड्स एंड 4MB की L3 कैश मेमोरी भी मिल जाएगी। तो भाई एक अच्छी खासी मल्टीटास्किंग को अंजाम आप दे पाओगे लैपटॉप के साथ, नो डाउट। 14 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ ये लैपटॉप आपको मिलता है जिसपे आपको 60Hz की रिफ्रेश रेट एंड 250 nits तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यूज़ मिलने वाले हैं। 8GB रैम और 512GB की SSD के साथ आपको विंडोज 11, MS Office का 2021 का लेटेस्ट वर्जन आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप के अंदर आपको 5-6 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और इसके साथ ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है जिससे आपका लैपटॉप ओनली 49 मिनट में 0-60% तक चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा लैपटॉप के अंदर आपको एलेक्सा सपोर्ट, HD वेबकैम, 180 डिग्री तक हिंज करने का सपोर्ट एंड इसका जो वेट है वो है ओनली 1380 ग्राम, जो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। सो फाइनली अगर मैं बात करूँ लैपटॉप के प्राइसिंग के बारे में तो भाई लैपटॉप का नाम है ASUS VIVOBOOK GO 14, फॉर प्राइसिंग आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके बाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा लैपटॉप आता है वो आता है मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से, जो है HP 15S। इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी पॉपुलर सेगमेंट है HP का ये और काफ़ी विश्वसनीय लैपटॉप्स आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिलते हैं। तो भाई विदाउट एनी डिले हम लैपटॉप के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई लैपटॉप आपको 15.6 इंच के फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ मिलता है जिसपे आपको 250 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है और इस पर आपको इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो भाई लैपटॉप के साथ आप वेरी स्मूथली बहुत बारीक काम आसानी से कर पाओगे, वो भी बहुत धाकड़ ग्राफिक्स के साथ। चिपसेट की मैं बात करूँ तो इंटेल का कोर i3 12th जनरेशन का चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा जिसपे आपको 8 थ्रेड्स
10 MB की L3 कैशी मेमोरी एंड 6 कोर्स लगे हुए मिल जाते हैं। तो भाई इस चीज़ से ये प्रूव होता है कि कितना पावरफुल लैपटॉप है और आप कितनी हार्ड से हार्ड मल्टीटास्किंग आसानी से कर पाओगे। बैटरी लाइफ के बारे में बात की जाए तो अप टू 6 to 7 आवर्स तक का बैकअप आपको इसमें मिल जाएगा और साथ ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आपका लैपटॉप ओनली 45 मिनट में 0 to 50% तक चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा रैम एंड स्टोरेज में आपको 8 GB की एक्सपेंडेबल रैम और 512 GB की SSD मिल जाती है। एंड एडिशनली कुछ देखा जाए तो विंडोज 11, बैकलिट कीबोर्ड, MS Office 2021 एंड एक फुल HD वीडियोस को रिकॉर्ड करने वाला HD वेबकैम भी मिल जाएगा, जिन्हें आप अपने यूजेस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। गाइज लैपटॉप का जो वेट है वो है ओनली 1690 ग्राम, जो काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है यहाँ से वहाँ कैरी करने में। तो भाई फाइनली अगर मैं बात करूँ लैपटॉप के प्राइसिंग के बारे में, तो भाई लैपटॉप का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसकी डिटेल्स को और भी चेकआउट करके बाय भी कर सकते हो। तो भाई ये थे आज हमारे टॉप लैपटॉप्स अंडर ₹35,000। अगर आपको कोई भी लैपटॉप पसंद नहीं आया अभी तक, तो 2-3 लैपटॉप्स की लिंक मैं आपको नीचे और दे रहा हूँ, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई भी लैपटॉप पसंद नहीं आता है, तो मैं तो भाई एक ही बात बोलूंगा आपको।